आज फ्रैंकलिन फाउंड करने वाला गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग सिटी के अंदर यहाँ पास जायंट थार रॉक एंड यहाँ पास देख सकते हैं जायंट थार रॉक मतलब काफी मस्त तरीके से चल रहा है एंड इसका चीट कोड क्या गाइस आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आओ गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो जैसा कि आप लोगों को पता गाइस हमारे गेम के अंदर पास कोई भी मतलब की थार रॉक देखने को नहीं मिलता जायंट वर्जन में, हम लोग को नॉर्मल वर्जन तो देखने को मिलता है, लेकिन उसके लिए गाइस हम लोग को यहाँ पास पावरफुल यहाँ पास इंजन यहाँ पास ढूंढना पड़ेगा एंड ढेर सारे पार्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पास देख सकते हो यहाँ पास सुपरा का इंजन हम मतलब कि अपने यहाँ पास थार रॉक के अंदर लगाने वाले हैं, क्योंकि कैसे एक सुपर कार है एंड इसका जो इंजन रहेगा कैसे काफ़ी मतलब पावरफुल रहेगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पास ये सुपरा कार को फाइंड करना पड़ेगा जो कि हम लोग को देखने को मिलेगा कार शोरूम में। तो चलो कैसे यहाँ पास जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। एंड हम लोग यहाँ पास से निकलने वाले हैं डिफेंडर में। पहले तो हम लोग को यहाँ पास फॉर्चूनर देखने को मिलता था, लेकिन अब हम लोग के गेम के सामने में हम लोग के यहाँ पास देखने को मिलेगा डिफेंडर जो कि काफ़ी बढ़िया है एंड एक ये न्यू कार है भाई लिटरली में काफ़ी बढ़िया है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ गाइस जल्दी से 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो गाइस प्लीज़ लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास से चलते हैं गाइस कार शोरूम जो कि यहाँ पास से काफ़ी क्लोज है एंड हम लोग यहाँ पास कुछ ही समय में हम लोग के पास कार शोरूम भी देखने को मिल जाएगा एंड आप लोग यहाँ पास देख सकते हो फाइनली हम लोग यहाँ पास कार शोरूम के पास भी पहुँच चुके हैं एंड इसके साइड में मतलब कि इसके सामने में हम लोग के यहाँ पास एक कंस्ट्रक्शन एरिया भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है, आप लोग यहाँ पास देख ही सकते हो। लेकिन यहाँ पास हम लोग को शायद कैसे इसके कार शोरूम के पीछे होना चाहिए अपना जो यहाँ पास सुपरा कार है। तो चलो यहाँ पास एक अच्छे से ड्रिफ्ट लगाते हैं यहाँ पास। तो कैसे ये ड्रिफ्ट मतलब कि नॉर्मली था लेकिन चलो कोई बात नहीं एंड इसका ड्रिफ्ट लगाने का भी मतलब तरीका काफ़ी बढ़िया है भाई लिटरली में। एंड चलो सबसे पहले हम लोग अपने यहाँ पास सुपरा को फाइंड कर लेते हैं, क्या हम लोग यहाँ पास सुपरा को देखने को मिलेगा एंड फाइनली आप लोग देख सकते हो कैसे हम लोग यहाँ पास सुपरा कार को यहाँ पास फाइंड कर दिए एंड इसका जो इंजन है कैसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जो कि हम लोग यहाँ पास थार रॉक मतलब कि जायंट वर्जन में इसको यूज़ करने वाले हैं एंड यहाँ पास नेक्स्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पास देख सकते हो यहाँ पास ऑटो रिक्शा, शायद गाइस इसके जो आपस जितने भी पार्ट्स हैं ऑटो रिक्शा के मतलब कि ये जो जॉइंट करने में इसका काम आ सकता है गाइस सारे मतलब पैनल वैनल बनाने के लिए एंड पैनल बनाने के लिए तो इस मतलब कि ऑटो रिक्शा का पार्ट्स मतलब ज़रूरी है भाई। तो हम लोग यहाँ पास सबसे पहले जाना पड़ेगा यहाँ पास विलेज वाली एरिया पर जो कि हम लोग को देखने को मिलेगा गाइस यहाँ पास ऑटो रिक्शा। तो हम लोग को यहाँ पास जल्दी से ऑटो रिक्शा को फाइंड करना है जो कि यहाँ पास हम लोग को देखने को मिलेगा विलेज वाली एरिया पर। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। तो आप लोग देख सकते हो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पास विलेज वाली एरिया पहुँचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पास सुपरा की स्पीड देखो भाई मतलब कि इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब इसीलिए गाइस हम लोग यहाँ पास थॉर रॉक में गाइस इसका ही इंजन को यूज़ करने वाले। तो फाइनली इसे तो हम लोग फाइंड कर दिए हैं, अब इसे गाइस जल्दी से इसका इंजन को टेलीपोर्ट करा देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पास ऑटो रिक्शा को फाइंड कर लेते हैं एंड इसके बाद इसका जो इंजन है गाइस इसे हम लोग यहाँ पास टेलीपोर्ट करा देंगे एंड फाइनली इसका बोनट तो खुल गया, बस हम लोग यहाँ पास इंजन को यहाँ पास खोल के ले जाना है हम लोग यहाँ पास जायंट थार रॉक के लिए, लेट्स गो। तो सबसे पहले तो चलो ऑटो रिक्शा को फाइंड कर लेते हैं क्या सच में हम लोग को देखने को मिलेगा एंड फाइनली आप लोग देख सकते हो कैसे हम लोग यहाँ पास ऑटो रिक्शा को भी फाइंड कर दिए जो कि काफ़ी बढ़िया है। लेकिन ये क्या भाई, ये हम लोग यहाँ पास टोना बाइक को भी फाइंड करना पड़ेगा जो कि हम लोग को देखने को मिलेगा, शायद ये ओल्ड हाउस में है। लेकिन उससे पहले गाइस हम लोग को यहाँ पास ढेर सारा पेट्रोल की भी मतलब की जरूरत पड़ेगी मतलब फ्यूल की। तो चलो गाइस जल्दी से यहाँ पास सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पास से चलते हैं पेट्रोल पंप एंड आपको ढेर सारे फ्यूल लाएंगे गाइस इस ऑटो रिक्शा की मदद से एंड मैं यहाँ पास सुपरा के इंजन को यहाँ पास तो मैंने टेलीपोर्ट करा दिया हूँ एंड उससे पहले गाइस हम लोग के पास ढेर सारा फ्यूल भी तो चाहिए। अगर गाइस ढेर सारा हम लोग के पास फ्यूल नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पास कैसे जायंट थार रॉक को यहाँ पास ड्राइव कर पाएंगे। तो सबसे पहले गाइस फ्रैंकलिन को जाना पड़ेगा यहाँ पास से पेट्रोल पंप एंड उसके बाद गाइस फ्रैंकलिन जो है अपने यहाँ पास जायंट थार रॉक को यहाँ पास ड्राइव कर सकता है। तो चलो देखते हैं गाइस सबसे पहले हम लोग के यहाँ पास ढेर सारा फ्यूल लेके जाना पड़ेगा इस ऑटो रिक्शा की मदद से हम लोग को। उसके बाद हम लोग के यहाँ पास टोना बाइक को भी फाइंड करना है, लेकिन टोना बाइक के इसमें क्या काम है गाइस, शायद टोना बाइक का मतलब कि डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं इस थार रॉक के अंदर। तो चलो देख ही लेते हैं गाइस इसका क्या यूज़ है। लेकिन यहाँ पास कोई भी मतलब कि पेट्रोल डलाने वाला कोई भी एक एम्प्लॉय भी नहीं था। तो फाइनली गाइस मैं खुद ही यहाँ पास सारा पेट्रोल यहाँ पास ढेर सारा फ्यूल मतलब कि मैं कलेक्ट कर चुका हूँ ऑटो रिक्शा के अंदर एंड ये सारा फ्यूल गाइस हम लोग यहाँ पास थार रॉक के अंदर भी डालने वाले हैं। एंड उससे पहले हमें यहाँ पास से जाना पड़ेगा गाइस, कहाँ जाना पड़ेगा चलो आपको बता दूँ। तो हम लोग यहाँ पास से जाना पड़ेगा सीधा हम लोग यहाँ पास ओल्ड हाउस। तो एंड चलो जल्दी से चलते हैं गाइस ओल्ड हाउस, लेकिन वेट एंड अपने हम लोग यहाँ पास मोबाइल डाटा ओपन करके देखे ही नहीं है कि अगर हम लोग यहाँ पास नेक्स्ट मिशन और कोई मिला है या फिर नहीं। चलो देख लेते हैं एक बार मोबाइल डाटा ओपन करके भी, लेट्स गो। तो अपने यहाँ पास भैया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आप लोग यहाँ पास देख ही सकते हो ऑटो रिक्शा भी मतलब कि काफ़ी मतलब पावरफुल ही है एंड अपना तो सारा मिशन यहाँ पास प्रॉपरली मतलब कंप्लीट होकर रेडी है एंड हम लोग सिंपली अब जाना पड़ेगा गाइस अपने यहाँ पास ओल्ड हाउस, जिसमें से हम लोग को यहाँ पास टोना बाइक फाइंड करना पड़ेगा जो कि यहाँ पास शायद हम लोग को येलो कलर में देखने को मिलेगा। एंड इसको चलो जल्दी से आपस वेयर हाउस के सॉरी गाइस वेयर हाउस नहीं, इसको गैरेज के अंदर डाल देते हैं अपने यहाँ पास ऑटो रिक्शा को एंड गैरेज के अंदर डालने के बाद गाइस इसका सारा पार्ट्स को यूज़ कर लेते हैं।
एंड यूज करने के लिए मैं इसे टेलीपोर्ट करा दिया हूँ अपने यहाँ पास ऑटो रिक्शा को। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं यहाँ पास से हम लोग सिंपल यहाँ पास कार मतलब कि ओल्ड हाउस के अंदर। एंड यहाँ पास हम लोग को देखने को मिलेगा येलो कलर में टोर्न बाइक। एंड चलो देखते हैं गाइस क्या सच में हम लोग को टोर्न बाइक हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पास से या फिर नहीं। एंड मेरे हिसाब से गाइस वो पिक्चर यहीं कहीं का होना चाहिए, शायद कहीं ये इस वाले रूम का तो नहीं, लेकिन यहाँ पास मैं क्या करूँ यहाँ पास हम लोग को कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। लेकिन सर यहाँ पास सामने की ओर देख लेते हैं एंड इस साइड भी कुछ नहीं, शायद हम लोग को ऊपर देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली सच में यहाँ पास ऊपर में ही था भाई, लिटरली में आप लोग देख सकते हो ये तो ऊपर में ही था। एंड सारा मिशन हम लोग को यहाँ पास कंप्लीट होकर रेडी है। एंड टोर्न बाइक को अब सिंपली हम लोग को लेके जाना पड़ेगा गाइस यहाँ से हम लोग को यहाँ पास न्यू हाउस के पास। तो चलो जल्दी से लेकर चलते गए इस टोर्न बाइक को, लेकिन इसको निकालने में गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट होने वाला है भाई। देख सकते हो आप इसका टायर भी फंस चुका था, लेकिन मैं कैसे भी करके इसका टायर जो है बाहर निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पर से चलो सिंपली चलते हैं गाइस बस थोड़ा सा और एंड मतलब प्रॉपरली गाइस अपने यहाँ पर सारा काम कंप्लीट होने के बाद अपना जो यहाँ पर स्टोन बाइक है ये प्रॉपरली निकल जाएगा भाई। फाइनली आप लोग देख सकते हो अपना जो यहाँ पर स्टोन बाइक है गाइस ये पूरी तरह से निकल के रेडी है। एंड अब हमें यहाँ पर चलो सबसे पहले से न्यू हाउस के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं न्यू हाउस। एंड इसके बाद तो हम लोग यहाँ पर जायंट थॉर रॉक के यहाँ पर मतलब कि ड्राइव करके आप देख सकते हो। एंड इसे गाइस हम लोग यहाँ पर जायंट थॉर रॉक को चला कर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं गाइस लेट्स गो। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं इस न्यू हाउस एंड इसके साइड में आप लोग देख सकते हो पुलिस स्टेशन है। तो कोई बात नहीं गाइस पुलिस वाले हमको कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग उससे परमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पास थार रॉक को यहाँ पास पुलिस मतलब सॉरी गाइस रेलवे स्टेशन है इधर हम लोग यहाँ पास ड्राइव करने वाले हैं थार रॉक को। यहाँ पास गाइस ढेर सारा मतलब पॉपुलेशन इसलिए हम यहाँ पास नहीं करने वाले हैं लेट्स को। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पास जाइंट थार रॉक को यहाँ पास मैं ड्राइव कर रहा हूँ जो कि काफ़ी बड़ा है, आप लोग यहाँ पास देख ही सकते हो भाई लिटरली में काफ़ी बढ़िया। एंड आप लोग यहाँ पास देख सकते हो गाइस जाइंट थार रॉक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। एंड आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।